आज सुप्रीम कोर्ट भी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की जो भाषा है या उनका जो सुझाव है उसका ऊपर मोर उठा रही है। पूरे देश की जो स्थिति है, जो हालत है, जो हम देख रहे हैं, तो ये नेशनल कैलामिटी है, ये राष्ट्रीय आपदा है। सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा है, उसके लिए हम उनके आभारी हैं। लेकिन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ये बार बार एक महीने से बोल रहे हैं प्रधानमंत्री जी को या केंद्र सरकार को, गृह मंत्री को, कि आप जल्दी से जल्दी इस महामारी को, इस संकट को राष्ट्रीय आपदा घोषित करो। देखिए, आप सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, सब एक्टिव हो गए हैं, क्योंकि कोरोना लगता है कोर्ट तक पहुंच गया है, उनके घर तक पहुंच गया है। लेकिन कोरोना किसको छोड़ता नहीं, कोई छोटा हो या बड़ा हो। और मैं न्यायालय की चिंता को वाजिब समझता हूँ, जिस तरह से न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय या हाई कोर्ट्स जिस तरह से इस पूरे मामले में एक्टिव हो गए, तो उससे कुछ ना कुछ देश को फायदा ही होगा। सर, जिस तरह से देख रहे हैं कोरोना काल में लगभग आज एक बार फिर 3.5 लाख के ऊपर केसेस आए, कई हजार लोगों की मौत हुई, तो कहीं ना कहीं देख रहे केंद्र में या पूरे देश भर में माहौल जिस तरह से काफी खतरनाक है, बहुत ही दहशत में है लोग। लोग दहशत में है, लोग सदमे में है, लोगों को पता नहीं हो रहा है कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, लोगों को ठीक से मार्गदर्शन नहीं हो रहा है। लेकिन आप देखिए महाराष्ट्र सरकार की पूरी यंत्रणा जिस तरह से काम कर रही है, मैं कल भी बताया था, देश को अब महाराष्ट्र मॉडल के तहत काम करना पड़ेगा। आपने महाराष्ट्र को बदनाम करने की बहुत कोशिश की इस मामले में, लेकिन सबसे बढ़िया काम कोरोना काल में अगर कहाँ हो रहा है तो महाराष्ट्र में हो रहा है, और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हो रहा है। उसकी सूझबूझ भी एक दिन न्यायालय जरूर लेगा। सर, मराठी मध्ये सर राष्ट्रीय आपत्ती असे सांगितले आहे सुप्रीम कोर्टाने, काय वाटतं? महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे हे सातत्यानं केंद्राकडे हीच मागणी करत आहेत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्याकडे वारंवार त्यांनी ही मागणी केली आहे, मग ते मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकांमध्ये असेल किंवा पत्रांच्याद्वारे असेल, की हे जे संकट आहे, हे जे महामारी आहे, ज्याला तुम्ही नैसर्गिक आपत्ती म्हणतो, नॅशनल कॅलॅमिटी म्हणतो, राष्ट्रीय आपत्ती म्हणतो, हे जाहीर करा। कारण देशातली आजची स्थिती पाहता हे राष्ट्रीय संकटच आहे, हे जगानंसुद्धा मान्य केलं आहे। पण आतापर्यंत राजकारणी हे सतत महाराष्ट्राला बदनाम करत राहिले, पण आज महाराष्ट्र ज्या पद्धतीनं या संकटाशी सामना करतो आहे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली, त्याची दखल सगळ्यांनाच घ्यावी लागेल। आणि हे जे महाराष्ट्र मॉडेल आहे, बरं का, ते एक दिवस या देशाला वापरून महामारीशी लढा द्यावा लागेल। माझ्याकडे माहिती नाही त्याविषयी, शेवटी तो एक शासकीय कायदा या संदर्भातला विषय मला माहिती नाही। धन्यवाद। राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पुन्हा एकदा केंद्रावर नाराजी व्यक्त केली अशी समजते आहे, केंद्र सरकार महाराष्ट्राला पाहिजे तशी लस पुरवत नाही आहे। बघा, महाराष्ट्र सरकारनं जर काही मागणी केली असेल केंद्राकडे, तर केंद्राने त्या संदर्भात पूर्तता करणं गरजेचं आहे, विशेषतः लसीची मागणी आहे। लसीचा तुटवडा का होतो आहे याला जबाबदार राज्य सरकार नाही, कारण शेवटी हे सगळं नियंत्रण केंद्र सरकारचं आहे। केंद्र सरकारच्या परवानगीशिवाय ना लस मिळत, ना औषधे मिळत, ना इतर साहित्य मिळत। त्याच्यामुळे जर राज्य मंत्रिमंडळामध्ये याच्यावर नाराजी व्यक्त केली असेल, तर ती टीका न समजता ती सूचना समजायला पाहिजे। सर, वॅक्सिनेशन सेंटरच्या बाहेर देखील लोकांच्या मोठ्या रांगेत लांब आपल्याला पाहायला मिळतात, सामान्य जे लोक आहेत या संदर्भात आरोग्यमंत्री जास्त बोलू शकतात। आरोग्यमंत्र्यांशी